देखिए हमने यहाँ पे ले लिया कंच का पत्ता, यहाँ पर इसको अरबी का पत्ता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बड़ी। वैसे आलू बड़ी बनाने के लिए यहाँ पे दूसरा पत्ता मिलता है, लेकिन हम इसी के साथ बनाने जा रहे हैं। तो एक बर्तन में डाल दिए हैं 2-3 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन, 1 चम्मच धनिया बुकी, 2 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च, तीखी वाली लाल मिर्च है 1 चम्मच तीखी वाली, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया हींग छोटे चम्मच से, सफ़ेद वाला तिल बड़े चम्मच से 1 चम्मच डाली हूँ, छोटे चम्मच से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़े साइज को नींबू को काट करके इसमें डाल दी हूँ। चलिए उसको पानी मिला करके एकदम गाढ़ा इसका बेटर बना लेंगे, पतला नहीं होना चाहिए इस तरह से, देखिए एकदम गाढ़ा होना चाहिए, जैसे वो बनाते ना कढ़ी में जो बड़ी डालते उसका, उसी तरह से बना लेंगे। इधर हम सील पत्थर पे पत्ता बिछा बिछा करके ऊपर से इसको इस तरह से लगा देंगे, पत्ते को अच्छी तरह से लेकिन कोट कर लेंगे, जैसे सब्जी बनाने में बनाते हैं ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा अच्छे से लगाएंगे। सब्जी तो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आज ये बना रही हूँ। देखिए सेम इसी तरीके से पत्ते को बिछाते जाएंगे और उस पर इसको इस तरह से लगाते जाएंगे अच्छे से, सेम इसी तरीके से हम सारे पत्ते को बिछा देंगे। अब अभी दोनों साइड से इसको इस तरह से मोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ये एकदम गोल बनेगा। एकदम धीरे से इस तरह से उठा करके मजबूत हाथ से इस तरह से घुमाते जाएंगे, इसको रोल कर लेंगे, इसका रोल बना लेंगे। कितने लोग तो इसमें रस्सी बांध के फिर स्टीम करते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे। जो बेसन बचा था उसको ऊपर इस तरह से लगा देंगे। चलिए रोल तो हमारा बन गया, चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने गैस को ऑन कर लिया, कढ़ाई डाल दी है, उसमें डाल देते हैं पानी, ज़्यादा पानी नहीं, 1 गिलास पानी डालेंगे स्टीम करने के लिए। नीचे वो डाल दिए हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कटोरी में पानी डाल करके वो रख दे, ऊपर से वो प्लेट रख दे, जैसे आप लोग से बन पड़े वैसे स्टीम कर सकते हैं। तो प्लेट में डाल दी हूँ रोल को, अब इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, उतने टाइम में अच्छे से स्टीम हो जाएगा ये। तो देखिए ये एकदम अच्छे से तरीके से स्टीम हो गया है, जो पानी दी थी वो पूरा पानी जल गया है। तो चलिए इसको उतार देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं, प्लेट को कढ़ाई से निकाल लेंगे। देखिए ठंडा हो गया, चलिए अब इसको आराम से काट लेंगे। एकदम इजी है बनाना, बनाने में एकदम इजी है और खाने में एकदम मस्त है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पता नहीं आप लोग को सब लोगों का वीडियो अच्छा लगता, मेरा वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगता है, तो ज़रूर देखिएगा बनाइएगा। इस तरह से देखिए हमने सारे को काट लिया है, चलिए इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। तो सारे को इस तरह से हम कढ़ाई में डालते जाएंगे, जब एक तरफ अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब पलट देंगे। थोड़ा सा कढ़ाई को इधर उधर घुमा देते हैं जिससे कि सब में तेल चला जाए। तो देखिए एक साइड हो गया, दूसरे साइड पलट देते हैं इस तरह से। कढ़ाई हमारा ख़राब हो गया इसलिए कोई कोई चिपक जा रहा है, तो इसको ऊपर नीचे करके अलटते पलटते हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, चलिए उसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। आप लोग इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। तो बन के तैयार है यहाँ पे हमारा आलू बड़ी, रोटी के साथ खाए, पराठे के साथ खाए, दाल चावल के साथ खाए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।